स्वागत है आपका आपके साथ, मैं हूं माथुरी कलाल। देश के पैसे से नेतागिरी क्यों? आखिर कर्ज माफी के बाद क्या अर्थव्यवस्था पर कोई चोट नहीं होगी? इन तमाम सवालों पर भी बातचीत करेंगे आज के एजेंडे में। मध्य प्रदेश में किसान तकरीबन दो हफ्ते तक सड़क पर रहे। इन दोनों प्रदेशों में तो हालात सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन बाकी देशों में अब बवाल की आशंका बनती जा रही है। वजह है वो फॉर्मूला जो इस आंदोलन से निपटने के लिए इन सरकारों ने अपनाया। महाराष्ट्र की सरकार ने सब किसानों के कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है, यानी किसानों की दशकों से चली आ रही समस्या का समाधान कर्ज माफी में दिखा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्ज माफी से ही हालात सुधर जाएंगे, और क्या कर्ज माफी बैंकों और सरकारी खजाने को चोट नहीं पहुंचाएगी? इसी पर है हमारा आज का एजेंडा। तो वहीं महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने सारे किसानों के कर्ज माफी का जो ऐलान कर दिया है, उससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि इतना पैसा आएगा कहां से? यह तब है जब यूपी की योगी सरकार अब तक अपने उस फैसले को लागू नहीं कर पाई है जो छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के लिए उसने लिया था। वहीं एमपी पहले से ही आंदोलन की चपेट में है, और अब पंजाब और कर्नाटक में भी आंदोलन की सुगबुगाहट है। इस बवाल के बीच आज वित्त मंत्री अरुण जेटली बैंकों का सिरदर्द बन गए एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट पर माथापच्ची करने वाले हैं। ये वो फंसा हुआ लोन है जो बैंकों को वापस नहीं मिल पाया, और अब ये टेंशन का सबब बनता जा रहा है। बता दें कि इतना बड़ा ऐलान के बाद महाराष्ट्र में जरूर किसान खुश होंगे, लेकिन दूसरी जगहों पर समझिए कि ये समस्या क्या इसका सॉल्यूशन निकल पाया है। महाराष्ट्र में कुल 1,36,00,000 किसान, कुल लोन 1,14,00,000 रुपए बनता है। महाराष्ट्र का कुल बजट 2,57,00,000 है, और उनमें से करीब करीब 1,80,00,000 रुपया खर्च हो चुका है। जो बचा हुआ 75,000-80,000 रुपया है, क्या उसमें वो कर्ज माफी हो पाएगी? या ये कहें कि इस कर्ज माफी को जिसको समाधान माना जा रहा है, वो एक बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। महाराष्ट्र में पहले से ही 4,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर पूरा पैसा कर्ज माफी पर ही चला गया तो बाकी खर्चे कहां से होंगे? बाकी जो विकास के खर्चे हैं, चाहे वो फिर स्वास्थ्य में हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे बिजली पानी, ऐसे तमाम चीजों पर खर्च कहां से होगा? और क्या वो सरकारी खजाना, देश का पैसा सरकारी खजाना है, तो फिर वो बैंकों पर पड़ने वाली मार को कैसे निपटेगी सरकार, कैसे निपटेंगे बैंक, और कैसे मजबूत होगी अर्थव्यवस्था? क्या किसी राष्ट्रीय नीति की, किसान नीति की हमें जरूरत है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये 6 तस्वीरें देखिए, यूपी में अब तक ऐलान हुआ लेकिन माथापच्ची अभी भी जारी, कोई बड़ा ठोस कदम अभी तक उठाया नहीं गया। एमपी में जिस तरह के हालात हैं, सवाल यही कि क्या होगा एमपी में? महाराष्ट्र में कर्ज माफी हुई, किसान खुश हैं। इधर आज ही एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर जो लोन है उस पर माथापच्ची करते वित्त मंत्री दिखे। कर्नाटक में किसान और समर्थक बंद पर उतर आए क्योंकि उन्हें उनकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। और जो समाधान महाराष्ट्र में हुआ है, क्या वे पूरे देश में लागू किया जा सकता है? उससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जिस जीडीपी की तरफ हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, जो नंबर्स हम गेन करना चाहते हैं, क्या वो हो पाएगा? या फिर ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स और सिर्फ नेतागिरी के लिए ऐसे ऐलान कर दिए जाते हैं और उसके बाद हाथ पांव फूलते हैं अर्थव्यवस्था के। तो महाराष्ट्र की जो पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये रविवार की है जब सड़क पर ये दूध फेंकने वाले किसान अचानक झूमते हुए नजर आए, आतिशबाजी करते हुए नजर आए। उस जश्न के पीछे था महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का वो ऐलान, और जैसे ही फैसला आया, महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में भी फैसले के स्वागत के बयान भी आए। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या देश के पैसे से नेतागिरी हो रही है?
और इस वक्त इस पूरे एजेंडे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता कृष्णवीर चौधरी साहब हैं, इसके साथ साथ अवधेशरी हैं, पत्रकार हैं, इसके साथ साथ मोहम्मद खान साहब हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, अर्थशास्त्री हैं, जो हमें सही से समझाएंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इसके साथ साथ ही नरेंद्र तनेजा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा नरेंद्र तनेजा साहब से है। तनेजा साहब, महाराष्ट्र में जो कुछ फैसला लिया गया है उसका स्वागत हो रहा है, स्वागत योग्य बताया जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये स्थायी समस्या का समाधान है? क्या इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट नहीं होगा? ऐलान कर दिया जाता है सिर्फ नेतागिरी के लिए? देखिए, कोई नहीं, नेतागिरी के लिए ऐलान ये सब करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई स्थायी इसका समाधान है। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। कोई भी जब इस तरह की समस्या होती है तो उसका समाधान एक तो लॉन्ग टर्म होता है, एक मीडियम टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। हाँ। अभी जो वहां पर समस्या चल रही है, जिस तरह की परेशानियां उनको हो रही है, हाँ। और जिस तरह की वहां हम देखा है, जमीन की हकीकत को भी हमने देखा है, वहीं पर हमारी सरकार है। अब उसका एक ये एक शॉर्ट टर्म चीज है, ठीक है, हमने कहा है भाई ठीक है आपकी आवश्यकता है उसको, लेकिन हमारा जो फोकस है सरकार का और पार्टी का, हमारा फोकस ये है कि जो पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो कृषि की अर्थव्यवस्था है, किसानों की अर्थव्यवस्था है, हम उसमें सुधार ला रहे हैं, उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं और जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था है उससे उसका विलय कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, जिससे कि वहां पर जो कुल मिलाकर के पूरी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका मतलब खाली किसान ही ना रह जाए बल्कि साथ में वहां उद्योग भी पहुंचे हैं, वहां पर जो और SMEs होते हैं वो भी वहां पहुंचे हैं और जो पूरी रूरल इकोनॉमी है उसका मॉडर्नाइजेशन, उसमें जो रिफॉर्म की जरूरत है वो हो और गांव जो है वो कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों के भी बिंदु बने, ऊर्जा के भी बिंदु बने, सौर ऊर्जा के भी बिंदु बने, मीडियम साइज छोटी फैक्ट्री के भी बिंदु बने, हमारा फोकस वही है। लेकिन इस दौरान अब जो कुछ लेगेसी के इश्यूज हैं, हमने देखा जिस हिसाब से पिछली सरकारों ने जो वहां निग्लेक्ट किया था रूरल इकोनॉमी को, किसानों को निग्लेक्ट किया था, उनकी समस्या आई तो उसको तो हमको देखना पड़ेगा। कोई देखिए ना तो ये सरकारी खजाने पर किसी तरह का वो है, ना ये है कि NPA को नहीं समझते, ना ये नहीं है कि हम उनको जो ये हम कोई खैरात करें, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उनकी एक समस्या है, उसी वजह से कुछ लोग आत्महत्या भी किसान कर रहे हैं, अब उसको देखना भी हमारी जिम्मेदारी। और जब तक हम इनकी ये शॉर्ट टर्म समस्या का समाधान नहीं करेंगे, इनके अंदर शांति नहीं आएगी, तो मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उसका समाधान भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म के भी क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और वो कैसे पूरा होगा, जब महाराष्ट्र पर ऑलरेडी 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है? इस पर भी मैं आपसे बात करूं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें रविवार की हैं, जब सड़क पर दूध फेंकने वाले किसान अचानक झूमने लगे, आतिशबाजी करने लगे। इस जश्न के पीछे था महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का ये ऐलान। अल्प भूधारक और मध्यम भूधारक किसानों की कर्ज माफी पहले ही घोषित हुई। किसानों का यह कहना था कि सबको मिलना चाहिए, उसके बारे में तत्वता मान्यता देते हुए सरकार ने ये कहा है कि ये कुछ निकषों के आधार पर रहेगी। जैसे ही ये फैसला आया तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से भी फैसले के स्वागत के बयान आने शुरू हो गए। चाहे किसी को कुआं निकलने की आवश्यकता हो, इस पर पानी बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर या ऑयल इंजन बिछाने की आवश्यकता हो, वो पानी पाइप से अपने खेतों तक ले जाने के लिए पाइप की आवश्यकता है, और ये सब काम के लिए किसान कर्जा लेता है, और ये सब माफ करने का डिसीजन मेरे लिए ऐतिहासिक है और इसलिए मैंने खुशी इसमें की है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो किया वो जल्दी अमल करो। सबसे पहली बात ये तो है कि किसानों ने हड़ताल पूरे राज्य में करने के बाद 15 दिन हो गए, और साथ ही साथ कांग्रेस और अन्य विपक्ष दलों ने राज्य में जो संघर्ष यात्रा निकाली, इसका ये परिणाम है कि राज्य में सरकार को ये करना, बहुत सरकार पे प्रेशर दबाव आया, उसके कारण सरकार को ये करना पड़ा। आंदोलन खत्म, किसान जश्न में तो नेता गदगद, लेकिन सबसे मुश्किल सवाल तो यहीं से खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जिसके दूरगामी परिणाम है। सवाल ये, क्या कर्ज माफी देश के बैंकिंग सिस्टम और सरकारी खजाने के लिए बड़ा झटका नहीं है? इस अहम सवाल पर आएंगे, लेकिन पहले उस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है जो अभी देवेंद्र फडणवीस के सामने खड़ा है और जिसकी चपेट में देश के तमाम सूबे आने वाले हैं। सवाल ये कि अपने ऐलान को जमीन पर उतारने के लिए पैसा कहां से आएगा? महाराष्ट्र में कुल 1,36,00,000 किसान है, कुल लोन 1,14,000 करोड़ रुपए बनता है। महाराष्ट्र का कुल बजट 2,57,000 करोड़ है।
इसमें से 1,77,000 करोड़ रुपए पहले से तय खर्चों के लिए है। सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए बाकी खर्चों के लिए बचते हैं। अगर ये पूरा पैसा भी लगाया जाएगा तो भी तकरीबन 34,000 करोड़ रुपए कम पड़ जाएंगे। ऊपर से महाराष्ट्र पर पहले ही 4,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और अगर पूरा पैसा कर्ज माफी में चला गया तो सड़क, स्वास्थ्य, बिजली पानी पर खर्च कहाँ से होगा। किसानों को सुखी करने के लिए यह बोझ सरकार सहन करेगी। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि तमाम पैरामीटर्स तय होने के बाद ये कर्ज 35,000 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सबका कर्ज माफ करने के इस फॉर्मूले का बेजा इस्तेमाल नहीं होगा। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि मैं किसान नेता हूँ, जो परिवार केवल और केवल खेती पे निर्भर है उसी को इसका फायदा मिलना चाहिए, इसीलिए ये समिति गठित हुई है। फडणवीस सरकार ने तो ये फैसला ले लिया, इससे पहले यूपी की योगी सरकार ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया था, लेकिन अभी तक उसको अमली जामा पहनाने के लिए माथा पच्ची चल रही है। ऊपर से पंजाब और कर्नाटक में आंदोलन की सुगबुगाहट है, और शिवराज चौहान सरकार तो पहले ही मुश्किल में घिरी है। अन्य राज्यों में किसान बोझ कर्ज के बोझ में इसलिए डूबे थे कि वहाँ बगैर ब्याज का कर्जा नहीं मिलता था, -10 पे कर्जा नहीं मिलता था। मेरे मध्य प्रदेश में वो स्थिति नहीं है। बरसों से यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को 0% ब्याज पे कर्ज दे रही है। अब असल सवाल, क्या सिर्फ कर्ज माफी से ही किसानों की समस्या दूर हो जाएगी? देश में कितने छोटे किसान बैंकों से कर्ज लेते हैं? उन किसानों का क्या होगा जो साहूकारों से कर्ज लेते हैं, और इस कर्ज माफी की कीमत कौन चुकाएगा? देश का बैंकिंग सिस्टम या सरकारी खजाना? कर्ज माफी से क्या कर्ज ना चुकाने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी? क्या ये पहले से ही मुश्किल में चल रहे बैंकों को बर्बाद नहीं कर देगा? अगर पैसा कर्ज माफी में ही जाएगा तो विकास के लिए बजट कहाँ से आएगा? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।